नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज बात करने जा रहा हूँ मैं माँ शारदा की। माँ शारदा का कहर जिस देश पे टूट रहा है, उस देश का अब अंत होता नजर आ रहा है। और कहा जाता है इस बात का जिक्र भविष्य मालिका के अंदर भी लिखा गया है। और भविष्य मालिका के अंदर ये कहा गया है कि जब माँ शारदा पूर्ण रूप से अवतरित होंगी और चारों ओर एक प्रकार का कहर उत्पन्न करेंगी, तो वो देश खत्म हो जाएगा, वो मलेच्छियों का देश वो खत्म हो जाएगा। और इस बात की पुष्टि आज के टाइम में हो रही है। ये सारा घटनाक्रम अब सिद्ध हो रहा है। पूरी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा वो देश है, कौन सा वो मंदिर है जिसका कहर टूट रहा है। और ये सारी बात, वो मंदिर अपने आप में बहुत ही माना हुआ सिद्धपीठ है। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी वीडियो की। प्लीज़ वीडियो के अंदर अंत तक बने रहना, बिना स्किप कीजिए देखिएगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि भविष्य मालिका की जो ये सीरीज़ हमारी स्टार्ट हुई है, इसके अंदर आपको सारी डिटेल फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो को। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से प्रभाव में आया हुआ है, जब से उसने इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया। एक ऐसा मंदिर जिसका शक्तिपीठ भी माना जाता है, और उसको जब उसने जर्जर करने का प्रयास किया, उसने पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया। और वो पाकिस्तान अब खत्म होने जाएगा और जल्दी उसका नामो निशान मिटने वाला है। और ये बात कई भविष्यवाणियों में भी इसका जिक्र लगातार देखने को मिल रहा है। गुरु अच्युतानंद जी की भविष्य मालिका के अंदर भी इसका जिक्र देखने को मिल रहा है। और कहा जाता है कि स्कंद पुराण और जिस प्रकार से विष्णु पुराण की व्यवस्था की गई थी, तो अखंड भारत की जो स्थिति उस टाइम में थी, वो अखंड भारत की स्थिति और भारत का सम्मान अब बढ़ने वाला है। कहा जाता है कि दिन प्रतिदिन जो इसकी अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, लगातार बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है, दो भागों में बटा हुआ पाकिस्तान की स्थिति अब इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि वो सोच नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि क्या होगा उसका। अब जिस प्रकार से हमारे विदेश मंत्री ने एक ये बयान भी दे दिया कि जो जब बाबा बर्फानी हमारे यहाँ पर हैं, तो माँ शक्ति पाकिस्तान में कैसे हो सकती है, उसको भारत का हिस्सा जल्दी बनना पड़ेगा। तो इस बयान के बाद में बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर नींदें उड़ गई हैं लोगों की। कई नेताएं बहुत ही ऐसे बयान दे रहे हैं जो बयान, मतलब जिनकी कोई भी ना उनकी कोई जड़ है ना उनका कोई पल है, ये ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान से अगर किसी ने टक्कर ली तो पाकिस्तान उसका नामो निशान मिटा देगा। तरीके से शेख चिल्ली वाली हरकतें कर रहे हैं। पीओके भारत का हिस्सा था और रहेगा, और ये घटनाक्रम जल्दी घटने वाला है और भारत एक अखंड भारत का रूप और स्वरूप लेने वाला है। तो बताता हूँ अब आगे पाकिस्तान के अंदर वो कौन सा मंदिर है जिसकी कारण इतनी ज़्यादा सरकार की नींदें उड़ी हुई हैं। माँ शारदा देवी शक्तिपीठ, जो माँ देवी माँ शारदा देवी का शक्तिपीठ है, वो पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर चारों ओर इस मंदिर की अब चर्चा हो रही है। कहा जाता है कि कश्मीरी लोगों की जो कुल देवी है वो शारदा माता है। तो कश्मीर के अंदर वास करने वाली माता को बहुत ही ज़्यादा पूजा जाता है, जो कश्मीर में निवास करती है, और सारे लोग उनकी वंदना करते हैं। ये चारों ओर हिंदुओं की रोज की पूजा का हिस्सा बनी हुई है। ये शक्तिपीठ मधुमती और सरू नदी के संगम के पास में हनुम पहाड़ी के ऊपर लगभग 6500 फीट की ऊंचाई पर है। कहा जाता है कि ये शक्तिपीठ माता के 18 शक्तिपीठों में से एक है। जब सती माता का दाया हाथ गिरा था तो इस शक्तिपीठ का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के जब दो भाग हो रहे थे तो ये भारत के हिस्सा हुआ करता था। और जम्मू कश्मीर का अमरनाथ
और माँ शक्ति का शारदा पीठ ये इन्हीं का हिस्सा हुआ करता था। ये पिछले 5,000 सालों से मौजूद है और इसका निर्माण बहुत पुराना है। कहा जाता है कि अष्टमी के दिन पर ये मंदिर खुद पे खुद हिलता है और इसका कहर चारों ओर बरसता है। ये बहुत बड़ी कहा जाता है कि शक्ति पीठ के नाम पे भी जो जाना जाता है। इसकी एक जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी थी वैसे शारदा यूनिवर्सिटी भी हुआ करती थी। अकबर के नवरत्नों ने में भी इसका जिक्र किया गया है और इसको महान पूजा स्थल के अंदर एक प्राथमिकता दी गई है। शुक्ल पक्ष की हर अष्टमी को यह मंदिर बहुत तेजी से हिलने लगता है और ऐसा असाधारण और अकल्पनीय प्रभाव इस मंदिर में से निकलता है कि जो चारों ओर अलौकिक शक्ति बखेरता है। कहा जाता है कि जो शारदा यूनिवर्सिटी थी वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी माना जाती थी और तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटी थी। उस समय में उत्तर भारत की जो शारदा लिपि का विकास हुआ था वो इसी यूनिवर्सिटी से हुआ था और इसके अंदर लगभग 10,000 के करीब छात्र उस टाइम में पढ़ा करते थे और बहुत बड़ा पुस्तकालय भी इसके अंदर था। नालंदा विश्वविद्यालय के साथ में इसकी तुलना की जाती थी लेकिन मुस्लिम शासक और मुस्लिम देश के अंदर आने के कारण ये मंदिर लगातार जर्जर होता जा रहा है और पाकिस्तान सरकार और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट उनका कभी भी इस मंदिर के लिए कोई भी ठीक करने का कार्य नहीं कर रही, कोई निर्माण करने का कार्य नहीं कर रही, उल्टा इस मंदिर को नष्ट करने के लिए हमेशा कोई ना कोई प्रयास करते रहते हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान अब दो भागों में बट गया है और उसकी स्थिति लगातार ख़त्म होती जा रही है और अब आने वाले टाइम में ये भारत का हिस्सा जल्दी बनने वाला है। और माँ शारदा शक्तिपीठ ही एक ऐसा शक्तिपीठ है जो कलयुग के अंदर भी आज भी एक ऐसी अलौकिक शक्ति दिखाई देती है और जो लगातार कंपन पैदा करता है हर शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। तो इसमें से इस मंदिर की रहस्य की लगातार कोई ना कोई खबर आती रहती है। ये वीडियो के अंदर जो जानकारी दी, इस वीडियो से आपको क्या लगता है कि हकीकत में अब भारत का जल्द ही अखंड भारत का हिस्सा बनेगा? अगर लगता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे भविष्य मालिका की जुड़ी हुई एक और अनोखी भविष्यवाणी के साथ में। और अब दूसरे पन्ने पे क्या लिखा हुआ है ये भी जानकारी मैं आप लोगों को जल्द ही देने वाला हूँ।